नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने पर भाजपा ने मनाई खुशी, आतिशबाजी कर एक दूसरे को खिलाई मिठाई। भड़काऊ भाषण देने वाले गौहर चिश्ती की रिमांड अवधि हुई समाप्त, न्यायाधीश ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जेल। 100 साल से मानवता की सेवा के लिए समर्पित सुधार सभा की मनाई गई वर्षगांठ। प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए मार्कशीट जमा कराने की 25 जुलाई तक बढ़ाई तिथि। स्कूल भवन के झज्जर होने के बाद ग्रामवासियों ने जताया आक्रोश, तालाबंदी करने की दी चेतावनी। और अब समाचार विस्तार से। देश के सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचित होने की खुशी में अजमेर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबेडकर सर्किल के पास चौराहे पर आतिशबाजी की गई, साथ ही एक दूसरे को मिठाई खिलाकर प्रसन्नता व्यक्त की गई। सर्वोच्च पद पर ऐसी महिला को ढूंढ करके लाए जो सच में धरती से जुड़ी हुई थी और आदिवासी परिवार से जुड़ी हुई थी, और उनका बहुत अच्छा अपने आम जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए योगदान रहा है। देश के सर्वोच्च महामहिम राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन की खुशी में अजमेर शहर जिला भारतीय जनता पार्टी द्वारा अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर आतिशबाजी की गई और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई गई। इस अवसर पर भाजपा शहर जिलाध्यक्ष डॉ. प्रियशील आड़ा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए द्रौपदी मुर्मू का चयन कर सभी के लिए एक मिसाल कायम की है। उन्होंने कहा कि द्रौपदी मुर्मू को NDA के वोट तो प्राप्त हुए ही, साथ ही विपक्षियों के वोट भी प्राप्त हुए, जिससे साफ जाहिर होता है कि सभी ने एकमत होकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया। आज बड़ी खुशी का दिन है हम सभी के लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो सच में है ही, लेकिन सभी आम जनता के लिए भी बड़ी खुशी का दिन है कि एक ऐसे सर्वोच्च पद पर माननीय हमारे मोदी जी ने एक ऐसे सर्वोच्च पद पर ऐसी महिला को ढूंढ करके लाए जो सच में धरती से जुड़ी हुई थी और आदिवासी परिवार से जुड़ी हुई थी, और उनका बहुत अच्छा अपने आम जनता के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए योगदान रहा है। ऐसी महिला को ऐसे सर्वोच्च पद पर अगर कोई ला सकता था तो माननीय मोदी जी की सोच थी और मोदी जी का प्रयास ही था। आपने देखा होगा विरोध में कितने कम वोट पड़े, और विरोध में इतने लोग होने के बावजूद भी आदमी की मानसिकता ये थी कि भाई वो जीतनी चाहिए, तो कितने ही सांसद कितने ही विधायकों ने लीक से हटकर के उनको वोट दिए, और हम सभी भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता आज बड़ी खुशी इजहार करते हैं और यहाँ आतिशबाजी करके भारतीय जनता पार्टी अजमेर शहर की तरफ से एक दूसरे को मिठाई खिला करके माननीय मोदी जी का और सभी भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश केंद्र के पदाधिकारियों का आभार प्रकट करने उपस्थित। कल जिस प्रकार से NDA की राष्ट्रपति आदिवासी महिला, जो कोई कल्पना नहीं कर सकता था, ऐसी द्रौपदी जी को मोदी जी और अमित शाह जी ने नाम निकाल कर लाए। लोग भाई कल्पना किस किस की कर रहे थे, लेकिन नाम जो निकल कर आया एक आम महिला का जो आदिवासी क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, उसे राष्ट्रपति पद का टिकट दिया। और राष्ट्रपति पद का टिकट ही नहीं, उसके अलावा भी जिस तरह से जो वोट कास्टिंग हुई है, जो वोट उनको मिले हैं, निश्चित तौर पर विरोधी घट के भी वोट मिले, क्योंकि जनजाति के जो लोग थे उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और MP और MLAs ने उन्हें वोट दिए, क्रॉस वोटिंग भी इसमें हुई। और मैं समझता हूँ कि ये सोच और इस प्रकार से एक धरातल वाले नेता को राष्ट्रपति बनाने का काम केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। भाई नरेंद्र भाई मोदी, उनकी टीम, राष्ट्रीय टीम को, प्रदेश टीम को, सभी को और सभी मतदाताओं को बहुत बहुत धन्यवाद। आज आतिशबाजी अंबेडकर सर्कल पर करी गई, आतिशबाजी के बाद यहाँ सबका मुंह मीठा कराया गया और अंबेडकर जी को माला पहनाई गई, माला पहनाकर और सब ने जश्न का माहौल यहाँ भी इस वक्त है। आप देख रहे हैं सब मिठाई खा रहे हैं, पटाखे छोड़ रहे हैं। आज के लिए मैं पुनः द्रौपदी जी को बधाई देना चाहूँगा और मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने राष्ट्रपति के लिए
द्रौपदी मुर्मू को चुना। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बड़ी सोच दिखाते हुए 75 साल के इतिहास में पहली बार जब अमृत महोत्सव मना रहे हैं, हम नरेंद्र जी मोदी, नरेंद्र भाई मोदी, अमित शाह और नड्डा साहब ने एक दूरदर्शी निर्णय लेकर एक सुदूर गांव में रही हुई ऐसी गरीब आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया है। ये भारतीय जनता पार्टी की समरसता की सोच को प्रदर्शित करती है। उस देश को मुर्मू जी के नेतृत्व के अंदर बहुत ऊंचाई मिलेगी। बहुत बहुत बधाई मोदी जी की सोच को, अमित शाह की सोच को और नड्डा जी की सोच को। दरगाह के निजाम गेट के बाहर भड़काऊ भाषण देकर नारा लगाने वाले गौहर चिश्ती को 7 दिन का रिमांड पूरा होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेजने के आदेश दिए गए। गौहर चिश्ती को सुरक्षा की दृष्टि के मद्देनजर हाई सिक्योरिटी जेल में रखा गया है। कोर्ट के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर दिया गया था, उन हर पहलू पे जांच की गई और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है, कोई उसके द्वारा उदयपुर विजिट नहीं की गई है। दरगाह के निजाम गेट के बाहर भड़काऊ भाषण और सर तन से जुदा के नारे लगाने वाले गौहर चिश्ती को आज 7 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हाई सिक्योरिटी जेल भेज दिया गया। अजमेर पुलिस ने गौहर चिश्ती को गुपचुप तरीके से मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश किया। वहीं 7 दिन का रिमांड पूरा होने के बाद अजमेर एडिशनल SP विकास सांगमान ने बताया कि गौहर चिश्ती से पूछताछ में उदयपुर में हुए कन्हैयालाल की हत्या का कोई लिंक सामने नहीं आया। सांगमान ने कहा कि इसके अलावा उसके परिचितों, जान पहचान वालों से भी पूछताछ की गई। उन्होंने कहा कि गौहर चिश्ती से विभिन्न तरीकों से, मनोवैज्ञानिक तरीके से अलग अलग टीमों ने पूछताछ की, लेकिन ऐसी कोई बात सामने नहीं आई कि उदयपुर हत्याकांड से गौहर का कोई कनेक्शन है। इसके अलावा बैंक ट्रांजेक्शन की भी गहनता से जांच की गई, लेकिन कुछ नहीं मिला। सांगवन ने कहा कि आवेश में आकर दरगाह के निजाम गेट के बाहर से सर तन से जुदा के नारे लगाए थे और यही नारा उदयपुर हत्याकांड के आतंकियों ने लगाए थे, जिससे डर कर वह अजमेर से जयपुर और जयपुर से हैदराबाद भाग गया था, जहाँ से पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। देखिए, गौहर को कोर्ट के द्वारा 7 दिन के पुलिस रिमांड के ऊपर दिया गया था, जिसमें हर पहलू पे उसके जो विजिट्स हैं, जो कई क्वेश्चन रेज हो रहे थे कि उदयपुर विजिट किया कि नहीं किया, उसके संबंध में, उसके ट्रांजेक्शन के संबंध में, उसके जो और कॉन्टेक्ट्स हैं, उसकी मूवमेंट कैसे कहाँ रही, उन हर पहलू पे जांच की गई और ये सामने आया कि उसका अभी तक जो भी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें उसका कोई भी उदयपुर कनेक्शन नहीं है, कोई उसके द्वारा उदयपुर विजिट नहीं की गई है, ना ही किसी बाहर की एजेंसीज के साथ या किसी ऐसे शख्स के साथ कोई भी संदिग्ध फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हमें ऐसी प्राप्त हुई है। साथ ही जो उसकी मूवमेंट के बारे में है, वो जब उदयपुर हत्याकांड हो गया तो उसके बाद, क्योंकि वो सही वही वर्ड्स उसके द्वारा भी बोले गए थे, उससे घबरा कर, डर कर, उसके बाद वो वहाँ से अपने आप को छिपाते हुए जयपुर के रास्ते हैदराबाद भाग गया। तो जैसे ही पुलिस को अपने तरीकों से जानकारी पता लगी, पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और उसको रिमांड पे लिया। ये तथ्य हमारे सामने आए हैं, हमने उसके मनोवैज्ञानिक तरीके से और जो भी टेक्निकल इनपुट्स हैं हमारे पास आए उसके थ्रू उसको डिटेल्ड उससे पूछताछ रही, उसके साथियों से, उसके रिश्तेदारों से, उसके दोस्तों से पूछताछ हुई और अभी तक की जानकारी के हिसाब से यही सब सामने आया। तो जो सामने आया उसके अनुसार ऐसा ही प्रतीत होता है कि वो किसी आवेश में आकर, और दूसरा ये कि क्योंकि माहौल थोड़ा इस तरह का कम्युनल चल रहा था तो किसी न किसी तरीके से अपने किसी विचारधारा से प्रेरित होकर उसने इस तरह की बयानबाजी की। डेफिनेटली इस विचारधारा के ऊपर भी किस तरीके से वो इस तरीके से उसका सोशलाइजेशन हुआ उसके बारे में जानकारी प्राप्त की गई। कोई भी किसी और बाहर की एजेंसी के साथ या तंत्र के साथ भी उसको हार्डकोर जेल जो अजमेर में है उसमें जैसी कराया गया है, अभी तक कोई बाहर की एजेंसी ने हमसे इस पे अनुसंधान के वास्ते संपर्क नहीं किया है, लेकिन अभी जो अजमेर पुलिस है उसके द्वारा अनुसंधान जारी रहेगा और जो भी टीम्स अगर ज़रूरत पड़ी हमसे संपर्क करेंगी, उनको डेफिनेटली हेल्प की जाएगी। PFI से ऐसा कोई इसका एस्टेब्लिश्ड मेंबर या कोई ऐसा लिंक सामने नहीं। इस मामले में अभी तक 4 लोग पहले गिरफ्तार हो चुके थे, ये 5वीं गिरफ्तारी थी। साथ में जिन लोगों ने इसको लुकने छिपाने में शरण दी उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन क्योंकि वो जमानती अपराध था तो उनको साथ ही पुलिस द्वारा जमानत दी। नासिर को भी उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उसको जमानत दी गई। संख्या तो मेरे पास नहीं है एग्जैक्ट, लेकिन हर एक इंसान जो भी इसके साथ पड़ा है, इसका मित्र है, इसका व्यापारिक संबंध है और रिश्तेदार हैं, उनके हर एक पहलू पे इस पर जाँच की। डेफिनेटली अनवर से हमने भी पूछताछ की और पहले जैसे आप सबको ज्ञात है कि ATS ने भी अपनी पूछताछ की है, पर उदयपुर से या
किसी भी ऐसी घटना से उनका कोई ऐसा लिंक सामने नहीं आया था। प्रदेश में कई स्थानों पर स्कूल के भवन जर्जर हो चुके हैं। इसी क्रम में पुष्कर के निकट देवनगर गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की इमारत जर्जर होने पर ग्रामवासियों ने विरोध जताते हुए प्रदर्शन किया। साथ ही समस्या का समाधान नहीं होने पर विद्यालय पर तालाबंदी करने की चेतावनी दी गई। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ तीन कमरे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। एक कमरे की पट्टी टूटी हुई है जिसमें ताला लगा रखा है। दो कमरे भी जर्जर लग रहे हैं, पट्टियों के बीच में से पानी आता है। पुष्कर के निकट देवनगर गांव के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय की इमारत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। एक कमरे की पट्टियां टूटी हुई हैं और दो कमरों की पट्टियों में दरारें आने से शाला प्रशासन ने उन्हें लंबे समय से बंद कर रखा है। कमरों के अभाव में बच्चे धूप और बारिश से बरामदे और खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। देवसेना के विधानसभा अध्यक्ष ओम प्रकाश गुर्जर ने बताया कि स्कूल की इमारत लंबे समय से जर्जर है। कई बार प्रशासन और शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को अवगत कराने के बावजूद ध्यान नहीं दिया जा रहा है। गुर्जर ने बताया कि आज ग्रामीणों ने सांकेतिक विरोध दर्ज कराया है। अगर 10 दिनों के भीतर समाधान नहीं हुआ तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। पंचायत समिति सदस्य रतनलाल गुर्जर ने बताया कि यदि ग्रामीणों की सब्र की परीक्षा ली गई तो स्कूल की तालाबंदी भी की जाएगी। शाला प्रधानाचार्य संतोष कंवर ने भी माना कि स्कूल की इमारत जर्जर है और उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ तीन कमरे हैं जो जर्जर अवस्था में हैं। एक कमरे की पट्टी टूटी हुई है जिसमें ताला लगा रखा है। दो कमरे भी जर्जर लग रहे हैं, पट्टियों के बीच में से पानी आता है। तो उन तीनों कमरों को हमने बंद कर रखा है ताला लगाकर। वहाँ अध्यापन नहीं करवाया जाता है और अध्ययन अध्यापन के लिए हम उनको ऑफिस के बाहर या जहाँ भी बरामदे हैं वहाँ बिठाकर बच्चों की कक्षाएँ चलाते हैं। इसके अलावा जो कमरे पानी तो जो ढलान की तरफ है नीचे, वहाँ बारिश की तरफ से पानी जाता है तो बच्चों को हम अध्ययन के लिए फिर उनको बरामदे में या ऑफिस के बाहर ऐसे बैठ के अध्ययन करवाते हैं। इसके लिए हम अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करवा दिया है और हमें आश्वासन भी मिला है कि बहुत जल्दी हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बच्चों को हमने ये बता दिया है, समझाइश कर दी है कि बहुत जल्दी ये समस्या का समाधान हो जाएगा। बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा, ये है कि हमारी स्कूल बहुत पुरानी है और ये बिल्कुल जर्जर हो रही है। बारिश के अंदर बहुत खतरा बना रहता है और इसकी गश्त हो गई है। दो तीन पट्टी भी टूट चुकी है। करीबन ये पांच कमरे बंद हैं, ताले लगा दिए स्कूल में। प्रिंसिपल मैडम ने कभी बैठने में हमें समर्थन नहीं, बिठा नहीं सकते बच्चों को, तो बच्चों को धूप के अंदर बाहर बिठाते हैं मैडम। तो पढ़ाने में बच्चों की कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी शिक्षा देने के लिए सरकार से और प्रशासन से हमारा निवेदन है कि बिल्डिंग को जल्द से जल्द नहीं बनाई जाए या फिर कोई दूसरी जगह अलॉटमेंट करके दूसरी जगह बिल्डिंग बनाई जाए। आवेदन तो खूब हो चुके हैं, बैठने के लिए जगह ही नहीं है। जगह कैसे होगी, बिठाएंगे क्या? जब कमरे ही नहीं है, गश्त हो गई, पानी चूरा है, बार बार टपक रहा है, बारिश के अंदर कभी बड़ा असर हो सकता है। इसलिए हम इकट्ठा होकर अब मीडिया के माध्यम से और आप सरकार से और प्रशासन से हमारी आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द हमें सुने हो। स्कूल में एक तो हमारे जो भी कमरे हैं वो सब झंझन हो रखे हैं। बरसात के मौसम में सब पानी टपकता है इसमें और कमरे भी पूरे नहीं है और हमारे बच्चे भी सस्सों के अभाव भी है और पढ़ाई में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी जो ये बिल्डिंग है वो बिल्कुल भी झंझर है, कभी भी गिर सकती है। और हमने प्रशासन को कई बार भी सचेत भी कर दिया था और प्रशासन हमारी तरफ कोई ध्यान भी नहीं देता है। शिक्षा विभाग को भी हमने लेटर लिख दिया, मैडम ने भी कई बार लेटर लिखा है। हमारे जो मीटिंग होती है एसडीएमसीम की, उसमें भी कई बार हम प्रस्ताव ले चुके हैं और अभी तक हमारा कोई भी ध्यान नहीं दिया। और हमारे जो बच्चे अभी 10 क्लास में हैं, 75 बच्चे पढ़ रहे हैं, 12वीं में हैं, 60 के लगभग है। हमारे तो बच्चों को इतनी परेशानी है कि इनको सबको अगर बरसात के दिनों में तो घर वाले भी ऐसे यहाँ स्कूल भेजने के लिए कतराते हैं ताकि कहीं को हादसा ना हो जाए। मान नहीं मांगी, मानी तो हमने अगर सबको कह भी दिया है और शिक्षा विभाग को भी कह दिया है, सब जगह हमने वो सूचना दे दी है। अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम हमारे स्तर पर चाहे स्कूल की तालाबंदी भी करनी पड़े तो हम उससे भी कोई अगर ऐतराज नहीं करेंगे, हम तालाबंदी भी करेंगे और बच्चों को स्कूल में नहीं आने देंगे अगर हमारी गवर्नमेंट। 100 साल से मानवता की सेवा के लिए समर्पित सुधार सभा की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री दयाल एंड हरजानी दादू जैन के मुख्य आतिथ्य में स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर आशागंज अजमेर परिसर पर अभिनंदन कार्यक्रम के साथ अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। श्री दयाल एन हरजानी दादू जैन के मुख्य आतिथ्य में स्वामी सर्वानंद विद्या मंदिर आशागंज अजमेर परिसर में आज 11 बजे दीपक प्रज्वलित कर सभा की 100वीं वर्षगांठ उपस्थित प्रबुद्ध जन की उपस्थिति में अनेक कार्यक्रमों के साथ शुरू की गई। इस अवसर पर हरिसुंदर बालिका सीनियर की स्कूली छात्राओं ने आगंतुक मेहमानों के स्वागत हेतु सुहिणा रस्ता पिया सजन
गीत की बहुत ही सुंदर तरीके से प्रस्तुति दी। इसके बाद स्वागत भाषण परम आदरणीय वंदनीय महेश्वरी गोस्वामी द्वारा दिया गया। कार्यक्रम में देशभक्ति से सरोबर एक नृत्य की प्रस्तुति सर्वानंद विद्या मंदिर की छात्राओं ने बहुत ही रोचक तरीके से दी। इस मौके पर स्वामी आत्मदास जी माधवदास जी उदासीन अजमेर द्वारा आशीर्वचन दिए गए। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों का सम्मान किया गया। इस अवसर पर संरक्षक श्री ईश्वर ठरानी ने आशीर्वचन दिए। मुख्य अतिथि श्री दयाल एन अरजानी ने अपने संदेश में दान महिमा और उनके द्वारा किए कराए जा मानव सेवाओं को उजागर किया गया। उन्होंने कहा कि मानव सेवा बिना किसी अपेक्षा के की जानी चाहिए। आनंदमयी जीवन सनातन संस्था गोवा पर श्रीमती कृतिका खत्री ने अनेक जानकारियां दी। अंत में बिनी एम लालजी सचिव ने गरीबी हटाओ संस्था ने अपने विचार रखे। कार्यक्रम के समापन में सिंधी समाज महासमिति के अध्यक्ष कंवल प्रकाश कृष्णानी ने अपने विचार रखे। अंत में सभी का आभार और धन्यवाद व्यक्त किया गया। उसको प्यार से हम दादू जैन कहते हैं। मैं उनको हमेशा दादाश्री करके बुलाता हूँ। मैं उनकी आशीर्वाद से इस स्थान पर खड़ा हूँ और परम आदरणीय ईश्वर जी की उनकी कृपा से मैं इस मंच में महापाल के साथ में खड़ा हूँ। और हमारा रेस पार्टी के बारे में दादू जैन ने आप सबको बधाई दिया पहले और मैं इससे आगे ज़्यादा कुछ बनाना नहीं चाहता। और सुधार सभा उसके 100 साल के वर्ष में जो उन्होंने मुझे यहाँ खड़े रहने के लिए एक स्थान दिया, मैं उसका बहुत शुक्रगुजार हूँ। और जितना मेरी शक्ति थी मैंने आज प्रदान कर दी और भविष्य में भी अगर परमात्मा ने चाहा सुधार सभा को मैं सपोर्ट करता रहूँगा। धन्यवाद। Our selfishness reduces and compassion rises. So this is one. I am like मुझे ये बात बताया which you may never have heard. जरी 11 साल तेरी माँ एलिस पावती साल जुड़ूच तो हमको हम यानी लंच ग्रुप वेनेसडे ग्रुप फ्राइडे ग्रुप और मंडे एंड थर्सडे ग्रुप को प्रवेश हो गया पर ऐसा ग्रुप्स एंड प्रोग्रेसिव ग्रुप एंड मेनी अदर ग्रुप गाड़ी जी तो उतरे हिकरे लंच से मुझे दोस्त मुझे चाहिए आप लोग चैरिटी कर रहे आप लोग उन वक्त मुझे ख्याल हो कि असि जी नंढा नंढा बार हैं जो होल एंड हार्ट हैं बैंगलोर में डॉक्टर देवी शेट्टी के थ्रू अस उनको सर्जरी कराए तो उन्होंने जान मिले जीवन में तो एक बंदे अच्छी मुझे चाहिए कहीं पाप जा कम क्या कर तू छापियो चाहिए बड़ी नहीं पाप जो कम चाहिए हाँ ये मुझे गुरु चाहिए है कि इफ द पर्सन यू से टुडे व्हेन ही ग्रोज अप ही और शी विल ग्रो अप एंड वो कुछ गलत कम करो तो उनको कर्म जो फल पाप तावर तांके संस्थाओं से जुड़ेल डार्क से स्मार्ट पेपर की छाप लगी पी है कि संस्थाओं के इंडिविजुअल्स के हर साल सुठे कार्य करण ला हिमथान ला हर साल उनके इनाम अवार्ड अलग अलग प्रकार दई पे हिमथाई तो जी सिंधी अजा भी सेवा के कार्य में कम कर हाँ विशाल वाधवानी जो हरजानी से गुड आयल बॉम्बे में उ सुधार सभा जो सभी साथी सभी स्कूल जो सजो स्टाफ मेंबर्स असाजा आयल मेहमान भेनर ए भाव अज जरूरत है तो मुकाम से पहुंचा तो परिवार के संभालींदा पर सब का पहली जरूरत है संस्कार कार्यक्रम निश्चित रूप से जो होंगकोंग में रही करे सिंध के बारे में सिंधियत के बारे में सोचन पाया अड़ा सा दादा जन अजमेर में आया निश्चित रूप से तुम अजमेर में स्वागत आ सिंधी समाज महासमिति जो अध्यक्ष थन के करे मैं निश्चित रूप से तुम सम्मान शब्दों का तो क्या सुबह कार्यक्रम थी उतरे
मन से तुम रखा कार्यक्रम में सम्मान जो कार्यक्रम रखे मैं बस ही चई करी गाल के विराम दी सुधार सभा जो पान में ही पूरा शब्द है सुधार के में सुधार ए सभा जो समाज मिली करे जिमें सुधार कर सके अड़ी सुधार सभा में निश्चित रूप से 100 साल अटल 100 ईयर के भी संस्था लाए वे में वही गाल 100 साल यदि मानु के जीवन में लगो मां जे संतन जो शिष्य आया स्वामी हजाराम साहब जो शिष्य आया उन 100 साल जो जीवन कर उन जीवन में सिर्फ त्याग सेवा सिमरन के अलावा बाकी जीवन में कुछ को उन सिर्फ जीवन में इन संतन के चरणन में इन भी यही कविता इन बार कर सकूँ संस्था लाता कान कर समाज लाता कर सकूँ दीदी गाल में नंबी गाल कई पैसा सभी के मिलना है पैसों की वही गाल को पैसा उन्होंने मिलना है जो अगर दई सकन उन्हीं के कभी को मिलना है जो अगर न दई सकन पैसा उन्होंने मिलना है जो अगर दई सकन समाज में यदि ये पैसा कमायो था निश्चित रूप से यह पैसा समाज में अगर सुनने का है किते न किते संतन सेवा लाए किते खर्च करजन या सेवा जो पैसा यदि मालिकन देना है तो उन्हीं के मानू सिर्फ खाई था मानू सिर्फ दालू थी वज में वो वो शरीर थी ना तो उन्हीं को खिचड़ी खानी पवी दलियो खाण पव फूड क्वांटिटी भी घट की वही एक्चुअल में तो समाज है पान छाता कर सकूँ इन हिसाब से कर समय को तो मैं यही चाहूँ तो निश्चित रूप से जो यह बुक लिखी है जो सिंधित लाए सिंधित लाए दर्द जो है निश्चित रूप से उनका दिल से सम्मान था क्यों दादा जन जी सभी आया मैश्री दीदी कमलर दीदी सभी जितना भी समाज जहाँ जितना भी बंधु हैं सब दिल से उन्होंने तरफों में तक सम्मान तो क्या कि निश्चित रूप से तड़ो वो कम करो पथ तीर्घायु मिले संतन जो आशीर्वाद मिले तीन स्वस्थता रहे तट भाभी साहब भी जदि अजमेर आया सुधार सभा एक समाज सेवी संस्था है जिसकी स्थापना हैदराबाद सिंध में 1921 ईस्वी में हुई थी। 2021 में शताब्दी वर्ष होने के कारण हमारा बहुत बड़ा प्लान था कि अपने सारे पैटर्न्स को और जिन्होंने डोनेशन दिए हैं लाइफ मेंबर्स हैं उनका एक अभिनंदन समारोह करें। कोरोना की वजह से वो थोड़ा ढीला पड़ गया तो अब जो जो हमारे पैटर्न्स अजमेर आते हैं उनके सम्मान में हम एक सामाजिक अभिनंदन कार्यक्रम करते हैं। अभी हांगकांग से हमारे समाज सेवी श्री दयाल एन हरजानी जो बहुत अच्छे राइटर भी हैं सोशल वर्कर भी हैं और काफ़ी चैरिटी वर्क करते हैं उनके अजमेर आगमन के उपलक्ष्य में हमने सुधार सभा और उसके समस्त विद्यालयों के द्वारा समाज के प्रतिनिधि वर्ग को साथ में लेकर के आज का कार्यक्रम आयोजित किया था। कार्यक्रम बहुत बड़ा नहीं था बहुत उस ढंग से भव्य नहीं था लेकिन उसमें जो हमारी भावनाएं हैं सुधार सभा की हमारे बच्चों तक उनके संस्कार पहुंचाने की जो भावना है उस मकसद से यह कार्यक्रम किया गया था। मिसेज हरजानी भी यहाँ पर आई हुई हैं और कल फिर स्वामी कॉम्प्लेक्स में उनके स्वरचित इंग्लिश में बुक्स हैं 2 वॉल्यूम्स में सिंधी रिचुअल्स रूट्स एंड रिचुअल्स उसका विमोचन समारोह भी होना है लेकिन यहाँ पर हमने केवल सादर आमंत्रित करके उनका अभिनंदन करने के लिए यह कार्यक्रम रखा। ये मेरे ख्याल से सुधार सभा का 7वां-8वां समारोह है। इसी तरह जो प्रथम समारोह हुआ वो आनंद धाम में हमने किया था तो वहाँ पर समाज के समस्त प्रतिनिधि जन को बुलवाया था सुधार सभा का एक परिचय भी हो जाए और वैसे ही हमने कोई प्रचार प्रसार या सरकारी संस्थाओं से भी इतनी जी हजूरी नहीं की है कि हमें कुछ दिया जाए लेकिन फिर भी हमारी संस्था के करीब 25 सेवा कार्य हैं यानी हॉस्पिटल है स्कॉलरशिप्स हैं कंप्यूटर ट्रेनिंग्स हैं अभी भी हमने कंप्यूटर ट्रेनिंग दी उसमें से अब हमारा ट्रैक जो है वो रोज़गार की ओर बढ़ रहा है मतलब आर्थिक सहायता के स्थान पर हम उनको इतना सक्षम बनाएं कि वे किसी के सामने हाथ फैलाएं नहीं लेकिन हाथ दें दान दें उनका तो इसलिए जो हमारी विडोज़ या नीडी हैं
उनको भी हम स्वावलंबन की ओर ले जा रहे हैं। किसी को मशीन, किसी को कंप्यूटर इस तरह देते हैं, ट्रेनिंग देते हैं। कंप्यूटर ट्रेनिंग लेने वाले 8-10 विद्यार्थियों का प्लेसमेंट भी हो चुका है। स्कूल से भी हमारे संस्कार ऐसे होते हैं। तो इस तरह सुधार सभा एक बहुमुखी समाज। स्वामी हिरदाराम जी की प्रेरणा से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट और स्वामी ग्रुप पंडित आत्माराम व्यास शताब्दी समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में 30 जुलाई को आयोजित होने वाले प्रतिभा सम्मान समारोह के लिए मार्कशीट जमा कराने की तिथि बढ़ाकर 25 जुलाई कर दी गई, जिसके लिए प्रतिभावान छात्र छात्राएं स्वामी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल रसोई रेस्टोरेंट के काउंटर पर मार्कशीट की फोटोकॉपी 25 जुलाई तक जमा करा पाएंगे। स्वामी हिरदाराम जी की प्रेरणा से साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट, स्वामी ग्रुप और पंडित आत्माराम व्यास शताब्दी समारोह समिति के संयुक्त तत्वावधान में 30 जुलाई 2022 को प्रातः 11 बजे रसोई बैंकेट हॉल स्वामी कॉम्प्लेक्स में प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सीबीएसई बोर्ड के परिणाम आज आने की वजह से मार्कशीट 25 जुलाई तक जमा करा सकते हैं। राजस्थान बोर्ड और सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 75% या उससे अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों का सम्मान किया जाएगा। सम्मान स्वरूप प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह के साथ ज्ञानवर्धक पुस्तकें भेंट की जाएंगी। कमल प्रकाश कृष्णानी ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन विद्यार्थियों ने 12वीं सीबीएसई और राजस्थान बोर्ड में 75% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हैं, वे विद्यार्थी अपनी मार्कशीट की फोटोकॉपी के साथ सादे कागज पर हिंदी में अपना नाम, पता, स्कूल का नाम और मोबाइल नंबर लिखकर स्वामी कॉम्प्लेक्स की तीसरी मंजिल रसोई रेस्टोरेंट के काउंटर पर जमा करा दें। पूर्व में दिनांक 22 जुलाई तय की गई थी, लेकिन आज 12वीं का रिजल्ट आने की वजह से तिथि बढ़ाकर 25 जुलाई तक कर दी गई है। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा तलब करने के विरोध में अजमेर शहर जिला कांग्रेस द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा की जा रही पूछताछ मामले में अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा विरोध जताते हुए प्रदर्शन कर जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया, साथ ही राष्ट्रपति के नाम एडीएम सिटी को ज्ञापन सौंपा गया। इस मौके पर कांग्रेसियों ने कहा कि देश की संवैधानिक संस्थाओं का केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे देश की संवैधानिक संस्थाओं का जिस तरह केंद्र सरकार द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है, चाहे इनकम टैक्स हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे ईडी हो, समय समय पर लोगों को परेशान करने के लिए उन्होंने अपने एक हथियार बना रखा है। पूर्व में हमारे राहुल गांधी जी को भी जो उन्होंने 5-5 दिन तक ईडी ने तलब किया, उन्होंने गहन पूछताछ की, हर तरह से उन्होंने सोचा कि इनके खिलाफ कोई सबूत मिले, लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। राहुल गांधी जी पे कोई दाग नहीं है और ना कोई दाग रहेगा। उसी में उन्होंने जब देखा कि राहुल गांधी जी इसमें नहीं आए, तो उन्होंने सोनिया गांधी जी को, हमारी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको भी ईडी ने तलब किया। और निश्चित तौर पर ये हमारा दुर्भाग्य है देश का, जिस महिला ने हमारे देश में सर्वोच्च पद के लिए त्याग किया, जिस महिला ने जो अपने पति का, अपनी सास का जो देश के लिए बलिदान दिया, उस महिला को आरोपित करने के लिए ईडी द्वारा जो है बुलाया जा रहा है, जबकि उनको मालूम है कि किसी भी तरह का कोई भ्रष्टाचार हमारे नेशनल हेराल्ड के अंदर या कांग्रेस के किसी भी हमारे नेता द्वारा ऐसा भ्रष्टाचार नहीं किया हुआ है, लेकिन उन्होंने जो है एक केंद्र सरकार की जो दबाव के कारण उनको बुलाया जा रहा है, उसके खिलाफ जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जो है कल प्रदेश स्तर पर धरना दिया। आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा जो है हमने जिलाधीश कार्यालय के बाहर जो है धरना दिया है, और हमने केंद्र सरकार को आगाज किया है कि जिस तरह आप इन संस्थाओं का दुरुपयोग कर रहे हो, कांग्रेस कार्यकर्ता बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम चाहे दिल्ली कूच करें, चाहे हमें जेल भरने का आंदोलन करना पड़े, हम हर चीज़ के लिए तैयार। तीर्थनगरी स्थित जोगणिया धाम का 15वां स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर धाम के सदस्यों ने गाजे बाजे के साथ कांवड़ यात्रा निकालकर चंद्रेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया। तीर्थनगरी के जोगणिया धाम का 15वां स्थापना दिवस आज श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। धाम के उपासक महंत बंवरलाल ने बताया कि इस अवसर पर सातु बहना दिराणिया की चल प्रतिमा का तीर्थ सरोवर पुष्कर के जयपुर घाट में अभिषेक कराया गया और श्रद्धालुओं ने सरोवर के जल से कावड़ गाजे बाजे के साथ लाकर जोगणिया धाम पुष्कर में स्थापित चंद्रेश्वर महादेव के अभिषेक किया। दिन को 12 बजे सातु बहना के भोजन प्रसादी का भोग अर्पण किया गया और भजनों की सरिता बही। राजस्थानी प्रसिद्ध गायक कलाकार कोजाराम राव बायासा दिराणियों की गायन के माध्यम से कथा प्रस्तुत की गई, साथ ही अन्य भजन गायक भी भक्ति रस प्रस्तुत किया गया।
और इसी की 22 जुलाई को हमारा जो मकान है उसका नाम जोगने धाम है। तो यहाँ सातों बना धराया की हमने स्थापना की और यहाँ ओकारेश्वर शिवलिंग लाके हमने 15 साल पहले स्थापित किया, तो आज 15 साल उनके हो गए हैं। उस उपलक्ष्य में हम पवित्र पुष्कर जल लाके सरोवर से और कांवड़ यात्रा के माध्यम से माता जी की सवारी निकालते हुए और भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया, उसके बाद आरती करके भगवान का भंडारा भोग अर्पण कराया। ये हमारे कई सालों से 15 साल से लगातार प्रोग्राम। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त होता है। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज़।